कर्नाटक सरकार ने मंदिरों से टैक्स वसूलने का जो बिल पास किया है उसमें बाकी धार्मिक स्थलों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। नए प्रावधान में अल्पसंख्यक कल्याण के कामों में धनराशि को बढ़ाया गया है जिससे चर्च और वक्फ बोर्ड की अनुदान राशि में वृद्धि हो। मुस्लिम समाज से जुड़े वक्फ बोर्ड को करीब 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रावधान है तो वहीं ईसाई समाज से जुड़ी चर्च के लिए 200 करोड़ रुपए राशि का अनुदान देने का प्रावधान है। इसी तरह नए बिल में अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम के लिए 393 करोड़ रुपए की अनुदान राशि रखी गई है जबकि अनुदान की राशि से ही इमामों को वेतन दिया जाएगा। मौलवियों और मुतबलियों को भी मदद का प्रावधान किया गया है जबकि मंदिरों से मिलने वाले टैक्स से ही पुजारियों को सुविधा देने की सफाई कर्नाटक सरकार की ओर से दी गई है। जाहिर है ये मामला और तूल पकड़ सकता है। Z News.